बड़ी गर्मी है यार आज तो गर्मी के टाइम है और पिज्जा खाने का मन किया, तो आलमबाग में डोमिनोज भी है, पिज्जा विंग्स भी है, और हम जब गुजर रहे थे तो हमें मिल गया मिस्टर पिज्जा। तो चले क्या मिस्टर पिज्जा का आज बुकड़ों को खाना दिखा दो, और पूरे वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगी क्या प्राइसेस है यहाँ पे, क्या लोकेशन है, और क्यों आपको यहाँ पे दोस्तों के साथ आना चाहिए। तो आ जाओ। इतनी ज्यादा गर्मी है भैया, पूरा प्रॉपर एसी चल रहा है यहाँ पे, आज तो सुकून से बैठ के खाएंगे। चलो इनके मेन्यू देखते हैं, इनके मेन्यू में है क्या क्या। तो अमन इधर दिखाना कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं प्राइजेस देख रही थी तो कोल्ड कॉफी सिर्फ 70 रुपए की है यहाँ पे, भाई इतना कम प्राइस। और उसके अलावा प्लेटर भी दिखा है यहाँ पे, पूरा मेन्यू लेते हैं और दिखाते हैं आपको। मुझे मेन्यू दीजिएगा, प्राइस भी बता देना। आ जाओ इधर, ये शूट कर लो। तो बहुत सही प्राइजेस हैं यहाँ पे, ये देखो, ये दे रहे हैं वेज प्लेटर है जो सिर्फ 140 रुपीज़ का है, नॉन वेज प्लेटर 170 का है, और उसके अलावा चिकन चीज़ा आज हम ट्राई करेंगे यहाँ का, और कोल्ड कॉफ़ी सिर्फ 70 रुपए की, पास्ता भी 120 का है। लमसम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्राइजेस ठीक ही ठाक है, ज़्यादा हाई प्राइजेस नहीं है। तो अगर पार्टी करना चाहते हो तो भाई यहाँ आ जाओ, और लोकेशन अभी बताऊँगी। तो अपने लिए बनवाते हैं चिकन चीज़ा, कॉफ़ी प्लेटर, और यहाँ का वेज पिज़्ज़ा, स्पेशल वेज पिज़्ज़ा। अब इंतज़ार नहीं हो रहा, देखो आने वाला है हमारे लिए। जी लगाया जब मैं मिल गया है यहाँ के ओनर, तो आप बताइए ये चीज़ा क्या है, चीज़े का क्या कॉन्सेप्ट है। पिज़्ज़ा तो बहुत सुना था जब मैं देख रही थी, ये चीज़ा क्या है भाई? चीज़ा चिकन का होता है। हाँ हाँ, चिकन की स्लाइस होती है। हाँ। और क्रिस्पी होता है ऊपर। हाँ। चीज़ वगैरह होती है, वेजीज वगैरह होती है, हमारे यहाँ का स्पेशल आइटम है। तो आज तक मैंने लखनऊ में पिज्जा तो बहुत खाया, चीज़ा नहीं खाया, तो आज मैं हमारे यहाँ सिर्फ आपके यहाँ ही मिलता है, पूरे लखनऊ में यहाँ पे सिर्फ चीज़ा मिलता है। उसके अलावा ये मतलब काफी अच्छे प्राइसेस देख रही थी, पिज्जा हमारे यहाँ का स्पेशल है। हाँ जी, तो पूरा वेजीज वगैरह रखते हैं, वेजीज वगैरह तो है। उसके अलावा प्राइजेस भी बहुत कम है हमारे, बहुत अच्छे हैं। हाँ, जी आप। हाँ देखा मैंने, हाँ प्राइजेस भी अच्छे हैं, और मुझे नाम भी बहुत अच्छा लगा, मिस्टर पिज्जा में आज खाने जा रहे हैं मिस्टर चीज़ा। तो हमारे लिए जल्दी से बनवा दीजिए मिस्टर पिज्जा, आप जल्दी से बनवा दीजिए चीज़ा। ये आ गया है चिकन चीज़ा, और उसके अलावा ये कोल्ड कॉफी। चिकन चीज़ा खा रही थी, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है भाई, बहुत सही है। अब जो चीज़ और मसाले हैं ना यहाँ के, मैं तो फैन हो गई हूँ यहाँ की। बहुत टेस्टी है। मजा आ रहे हैं बुक्कड़ के। तब अकेले खा जाऊंगी ना, खुद नहीं छोड़ने वाली आज। बहुत टेस्टी है भाई, सही बताना है, मेरे को पैसा वसूल है, मजा आ रही है। स्वाद है भाई यहाँ पे, मिस्टर पिज्जा ने मतलब बता दिया कि भाई टेस्टी है, बहुत ज्यादा तगड़ा टेस्ट है। अमन कैसा? मैंने तुम्हें फिर भी चिकन खिला दिया है, कैसा लगा टेस्ट? बहुत गलत बात की तुमने। हाँ। लेकिन खाने से पहले मुझे गलत बात लग रही थी। हाँ। खाने के बाद बिल्कुल गलत फील नहीं हो रहा, बहुत लाइट है, बहुत यार टेस्ट आ रहा है, टेस्ट हेल्दी में लेना चाहें। हाँ। जो आपके शरीर को प्रोटीन दे और टेस्ट पिज्जा का दे। हाँ। मतलब शरीर और जबान दोनों के लिए बेहतर। बहुत बढ़िया, टू गुड टू गुड, बहुत अच्छा टेस्ट। तो तुम्हारा मंडे को तुमने चिकन खा लिया, तो तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे। जय बोलना, जय बोले, खाते हुए बोल रहा है इंसान। खाने से मैं कह रही हूँ कि भाई शूट कर दो, शूट कर दो, इतना मशगूल है खाने में कि बस खाया जा रहा, खाया जा रहा, खाया जा रहा। हाँ, अब यहाँ खाना खा के इस तरीके से पागल हो चुके हैं। हाँ, तो वहाँ तो बिल्कुल देख लो कैसे खा रहा है, देखो 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 कितना खाने में इंसान मशगूल है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं उतनी देर से चिल्ला रही हूँ भाई शूट करना है, शूट करना है, नहीं पहले खाना है। ओफो, फूड ब्लॉगर के साथ यही होता है अक्सर, फूड ब्लॉगर की लाइफ ही यही है। अमन सोच रहा है कि अब क्या खाऊं, पिज्जा देख रहे हो कितना औसम आया है यहाँ का, और इसका प्राइस आप गेस करके बताओ कमेंट में, फिर मैं बताऊंगी आपको इसका प्राइस क्या है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ के लिए आई है फ्राइज, और ये भाई मेरा फेवरेट हो चुका है यहाँ पे, ये चिकन पॉपकॉर्न, और इसके अलावा ये पास्ता। भाई मुझे पास्ता वैसे पसंद नहीं है इतना, पर ये पास्ता मुझे अच्छा लगा है। और ये है हमारे लिए सैंडविच, और ये तो हमने खाया ही नहीं, बर्गर। ओ हो, तो ये प्लेटर है
जहाँ पे आपको ये मिलेगा यानी सैंडविच बर्गर और फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक जो सिर्फ 140 रुपीज में है। और अमन कैसा लग रहा है खा के तो बताओगे तुम, जो पिज्जा खाते हो ना बड़े स्टाइल से लगा के बिल्कुल सजा के खाते हो, हम बुकड़ों को इंतजार ही नहीं होता, हम तो बस खाने पर जुट जाते हैं। हाय 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 कैसा लग रहा है बेचारा, बड़ी मेहनत के बाद इसको खाने को मिलता है, पहले मैं इसे बहुत मेहनत कराती हूँ फिर इसे खाना खिलाती हूँ, बहुत अच्छा है। मतलब मैं लिटरली एक दिन पहले मैं यहाँ पे आई थी खाने के लिए, एक दो दिन पहले, पर टेस्ट है बहुत है। अगर तुम्हें गरम खाना है तो इसको फिर से हीट करवा देते थोड़ा, तुम गरम खा लोगे। और ओवरऑल टेस्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया है और प्राइजेस भी बता दिए हैं, तो बहुत अच्छा जेन्युइन यहाँ का है। अमन कह रहे हैं कि इसका पिज्जा, यहाँ का पिज्जा, पिज्जा का पिज्जा पहले वो खा चुके हैं, काफी अच्छा है, पर आज जब चीज़ा खाया तो बड़ी मजा आई, चीज़ा मतलब बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने दोस्तों और फैमिली को यहाँ लेके आना चाहते हो तो भागते भागते लेके आओ, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत सा जगह है। और ऊपर से यहाँ का पूरे लखनऊ में आपको कहीं चीज़ा नहीं मिलेगा, मिसर पिज्जा में केवल चीज़ा मिलेगा, चीज़ा ट्राई करना। मैं जनवन बाप को रिकमेंडेड करूँगी कि भाई चीज़ा खा के देखो, आप पिज़्ज़ा भूल जाओगे। तो मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ, मुझे अब पिज़्ज़े में उतना टेस्ट नहीं आ रहा है जितना चीज़ा खाने में मुझे टेस्ट आया था, और मज़ा आ गई यहाँ का खाना ट्राई करके, बहुत सारी चीज़ें हमने खाई। और अगर आप मेरे साथ फूड वॉक पे आना चाहते हो तो कमेंट करो, हम मैं आपको लेके आऊँगी यहाँ पे, कहीं पर भी लेके चलूँगी जहाँ आप बोलोगे आपको फूड वॉक पे। और ऐसे ही साथ बना रहना चाहिए बुक्कड़ के साथ, और हमें देखते रहिए, हमें इसी तरह प्यार देते रहिए, और हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तक ले बाय।